Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोए सवसाहूणं बंध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनर नेमी चंद जयवंत जगी बये केवली स्पर्श। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमीचंद ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और अभी हम उसके उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं। कर्मकांड दूसरा भाग, यहाँ इस अधिकार का नाम है स्थान समुत्कीर्तन अधिकार, यानी बंध के स्थानों की, उदय के स्थानों की, सत्ता के स्थानों की यहाँ चर्चा करेंगे। सो स्थान कहना किसे, उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे। हम यहाँ जो पहली पुस्तक पहली पेज है ना 427 पुस्तक का पहला पेज 427 जहाँ हमने अभी मंगलाचरण देखा वहीं पर अंतिम लाइन में वहाँ लिखा है, अंतिम पंक्ति में, स्थान किसे कहते हैं। एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियाँ पाई जाती हैं, मूल प्रकृति में कहेंगे तो बंध के स्थान किसको कहेंगे कि मूल प्रकृतियाँ एक समय में कितनी बन सकती है, 8 भी बंधेगी, 7 भी बंधेगी, 6 भी बंधेगी, 1 भी बंधेगी, सातावेदनीय, तो उसको कहेंगे स्थान। क्या कहते हैं, एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियाँ पाई जाती है उनके समूह का नाम स्थान है। उसका व्याख्यान इस अधिकार में है, यानी वो संख्या वाले अनेक 8 का बंद करने वाले मूल प्रकृतियाँ, 7 का बंद करने वाले भी जीव है, 6 का बंद करने वाले भी जीव है, 1 का करने वाले भी जीव है। तो यहाँ अलग अलग स्थान, बंद के स्थान मूल प्रकृतियों की अपेक्षा कौन कौन से हो गए, 8 वाला स्थान, 7 वाला स्थान, 6 वाला स्थान, 1 वाला स्थान। मूल प्रकृति की बात करें देखो वहाँ प्रथम ही 428 पेज मूल प्रकृतियों के बंध उदय उदीर्णा सत्व के भेद सहित उस स्थान समुत्कीर्तन को गुणस्थानों में 6 गाथाओं द्वारा कहते हैं। ये अभी हमने सारे बंध की बात पढ़ के आए, हम उदय की, सत्व की वगैरह, अभी केवल उसके स्थानों की चर्चा है। मूल प्रकृति में तो बिल्कुल आसान है, उसको अभी देखते हैं। यहाँ पर मिश्र बिना यानी तीसरे गुणस्थान को छोड़कर अप्रमत्त तक 6 गुणस्थानों में आयु बिना 7 प्रकार के अथवा आयु सहित 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। यानी पहले गुणस्थान में मूल प्रकृतियों के बंध स्थान कौन से है, तो 7 वाला होगा या 8 वाला होगा। तीसरे गुणस्थान में 7 वाला ही होगा, 8 वाला नहीं होगा, क्योंकि आयु का बंध वहाँ नहीं है। वैसे भी ऊपर के गुणस्थानों में जहाँ आयु नहीं बनती, 8वें में भी नहीं बंधेगी, 9वें में भी नहीं बंधेगी, वहाँ कितने का बंध होगा, 7 का, और 10वें में 6 का, यही कह रहे हैं। मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीन में आयु बिना 7 प्रकार के ही कर्म बनते हैं। सूक्ष्म संप्रदाय में आयु और मोह बिना 6 प्रकार के ही कर्म बनते हैं, और उपशांत मोह यानी 11वां गुणस्थान, क्षीण मोह यानी 12वां, और संयोगी में एक वेदनीय कर्म ही बनता है। यह मूल की बात है ना, 7 बन रहा है पर हम यहाँ मूल प्रकृतियों के नाम देख रहे हैं, अयोगी में बंध नहीं है। इस तरह मूल प्रकृतियों के बंध स्थान, इसको बंध स्थान कहेंगे। उत्तर प्रकृतियों के तो आसान है, परंतु मूल प्रकृतियों में तो और आसान है। कैसे,
कि सामान्यपने आठ, सात, छः और एक प्रकृति रूप चार है। यानी गुणस्थानों में देखना है तो अलग अलग सोचेंगे। इन जनरल कितने बंद स्थान हो सकते हैं? तो आठ वाला एक, सात वाला एक, छः वाला एक, एक वाला एक। वहाँ उपशम श्रेणी से उतरते हुए देखो, अभी यहाँ दो तीन शब्द आने वाले हैं। एक है भुजाकार बंध, एक है अल्पतर बंध, एक है अवस्थित बंध और एक है अवक्तव्य बंध। जरा पहला पेज नंबर 429 नीचे के दो लाइन वहाँ से हम पढ़ेंगे किसको क्या कहना है। वहाँ जो पहले थोड़ी प्रकृतियों का बंध करके पश्चात बहुत प्रकृतियों को बांधता है उसको भुजाकार बंध कहते हैं। यानी पहले सात बांधता था, फिर आठ बांधने लगेगा तो क्या कहेंगे उसको? भुजाकार। यानी दो समय ने, पहले समय में सात का, अब जहाँ आयु बंधना शुरू होते ही क्या होगा? आठ का, तो क्या हुआ? वो भुजाकार हुआ। तथा पहले बहुत प्रकृतियों का बंध करके पश्चात थोड़ी प्रकृतियों को बांधता है उसको अल्पतर बंध कहते हैं। यानी आठ को बांधने वाला सात का करने लगा तो क्या होगा? अल्पतर। पहले थोड़ी या बहुत जितनी प्रकृतियों को बांधता था पश्चात अनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों को बांधता है उसको अवस्थित बंध कहते हैं। यानी आयु का बंध अंतर्मूल चलेगा तो अंतर्मूल तक आठ का बंध, आठ का बंध, आठ का बंध, आठ, उसको क्या कहेंगे? अवस्थित। जैसे सात को बांध रहा है और लगातार सात ही प्रकृतियाँ बांध रहा है तो उसको अवस्थित कहेंगे। जैसे ग्यारहवें बारहवें में एक ही प्रकृति बांध रहा है, दूसरे समय में भी एक ही बांधी तो उसको क्या कहेंगे? अवस्थित। अवक्तव्य कब कहेंगे? कि जहाँ बंध ही नहीं था और बंधने लगे वहाँ अवक्तव्य कहेंगे। तो मूल प्रकृतियों में अवक्तव्य कब होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई मूल प्रकृति तो बंध रही है। मूल प्रकृति नहीं बंधेगी ऐसा कब होगा? सयोगी अयोगी में, और बाद में उल्टा आने वाला नहीं है नीचे। इसलिए मूल प्रकृतियों में अवक्तव्य बंध नहीं है। हाँ, उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे हम। जैसे ज्ञानावरण का बंध कहाँ तक है? दसवें तक। कोई ग्यारहवें में गया तो ज्ञानावरण का बंध है क्या? फिर लौट के नीचे आए तो बंध होगा, तो वहाँ अवक्तव्य कहेंगे। पर मूल प्रकृतियों में कोई ना कोई प्रकृति बंध ही रहे कहाँ तक? सयोगी तक। यानी बंध नहीं है और फिर शुरू हुआ मूल प्रकृतियों के बारे में, ऐसा कभी नहीं होगा। अवक्तव्य तब कहेंगे तो नहीं बंध रहा था और बंधने लगा, तब उसको अवक्तव्य कहेंगे। अभी पीछे के पेज पर फिर आना, 428 पर। अब भुजाकार बंध कब होगा उसकी बात है, नीचे के पैराग्राफ में सेकंड लाइन। वहाँ उपशम श्रेणी से उतरते हुए भुजाकार बंध तीन है। भुजाकार का अर्थ क्या कहते हैं? क्या देखा? हाँ, पहले कम बांधना बाद में ज़्यादा। तो उपशांत मोह में एक का बंध था, यानी ग्यारहवें गुणस्थान में वेदनीय एक बंधती थी। वहाँ से सूक्ष्म सांप्राय में आया तब छह का बंध किया। यानी ग्यारहवें में एक था और नेक्स्ट समय में दसवें में आया तो छः का बंध है, तो वो एक से छः एक भुजाकार हुआ। इसलिए एक तो यह भुजाकार बंध हुआ। पुनश्च सूक्ष्म सांप्राय में छह का बंध था, वहाँ से अनिवृत्तिकरण में आया। यानी छह का करता था अनिवृत्तिकरण में अभी उतरते समय तो मोहनी का बंध शुरू हो जाएगा, तो छह से सात का होने लगा, उसको भी भुजाकार कहेंगे। तब सात का बंध हुआ, वहाँ एक भुजाकार हुआ। पुनश्च अपूर्वकरण में सात का बंध था, नीचे के गुणस्थान में आठ का बंध हुआ। यानी आठवें में सात का था, फिर नीचे उतरकर सातवें में भी आया, वहाँ पर भी मान लेते सात का था, और फिर छठे गुणस्थान में उसने आयु बांधना चालू की तो सात से आठ तक आया, तो उसको भी भुजाकार कहेंगे। वहाँ एक भुजाकार हुआ, ऐसे तीन भुजाकार हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ एक का बंध था कहाँ? ग्यारहवें में, और मरकर देव में हो गया तो कितने का बंध करेगा? सात का कि आठ का? आठ का। आयु के पहले समय में बंध नहीं होता है,
देव में उत्पन्न होते आयु बंधन उसके देव के अंत के 6 महीने में होगा। तो 1 से 7 का बंध करने लग गया, या नीचे उतर के आया है 6 का बंध कर रहा था उपशम श्रेणी में, चढ़ते समय या उतरते समय मर कर देव हुआ तो 6 से 7 हुआ, उसको भी भुजाकार कहेंगे। मरण की अपेक्षा हम उसको भी ले सकते हैं। अब अल्पतर की बात करेंगे। ऊपर ऊपर गुणस्थान चढ़ने में अल्पतर बंध 3 है। 8 कर्म के बंध से 7 का बंध होगा, वहाँ अल्पतर होगा, यानी आयु बनती थी बंधना रुक जाएगा तो 7 का। उसके लिए गुणस्थान चेंज होने की जरूरत नहीं है, बस आयु का बंध रुक गया तो 8 के बंध के बदले 7 का हुआ, उसको भी अल्पतर कहेंगे। 7 से 6 का कब होगा? हाँ, 9वें से 10वें में गया, 9वें में 7 का था, 10वें में 6 का होने लगा, तब एक अल्पतर होगा। और 6 से 1 11वें से 12वें में जाएगा कि नहीं? 10वें से 11वें में जाएगा या 10वें से 12वें में जाएगा? तो 6 से 1 का होगा। ये 3 अल्पतर बंद होते हैं। अब अपने ही स्थान में पहले समय में जितने कर्मों का बंध होता है उतने ही कर्मों का अनंतर समय में बंध हो, वहाँ अवस्थित बंध 4 है, क्योंकि 8 का कर रहा था तो नेक्स्ट समय में भी 8 का हुआ तो उसको अवस्थित कहेंगे। 7 का कर रहा था, सेकंड समय में भी 7 का हुआ, उसको अवस्थित कहेंगे, क्योंकि एक समय के लिए तो होता नहीं ना। 6 का भी बंध लगातार अंतर्मुर तक तो होगा 10वें गुणस्थान में। हाँ, मरने वाले को एक समय में होगा, परंतु ये अवस्थित की बात हमको घटित करनी है। वैसे 1 का बंध था तो 1 का करता रहा तो उसको भी अवस्थित बंध कहेंगे। ये मूल प्रकृति में तो आसान है बिल्कुल, ये तो बच्चों की बात है, क्योंकि इतना हम कठिन कठिन पढ़ के आए हैं ना, अभी ये तो आसान है, है। तो अवस्थित बंध भी 8 का 8 चलता रहे, 7 का 7 चल रहा है, 6 का 6 चलता रहे, 1 का 1 चलता है, ये सारे अवस्थित बंध कहलाएंगे। देखो, उपशांत मोह से उतरकर सूक्ष्म सांप्राय को छोड़कर अनिवृत्ति करनादि को प्राप्त नहीं होता। क्या कहना चाहते? 11 गुणस्थान जब गुणस्थान यानी श्रेणी चढ़ी, श्रेणी के उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से? 8, 9, 10, 11। तो 11 के बाद कहाँ जाता है? नियम से 10वें में आता है। 10वें वाला नियम से 9वें में, कभी जो शास्त्र में आता है ना, देखो 11वें गुणस्थान तक पहुँचाता फिर मिथ्यात्व में जाता है, 11वें में से कोई डायरेक्ट मिथ्यात्व में नहीं जाता, वो क्रम से ही नीचे आता है। 11वें से 10, 10वें से 9, 9वें से 8, 8वें से 7, 7वें से 6, यहाँ तक तो क्रम निश्चित है, बाद में वो 6ठे गुणस्थान के बाद कहीं पर भी जा सकता है क्रम से या डायरेक्टली। मर जाता है 11वें गुणस्थान में तो देव में जाएगा 4था गुणस्थान, मरण की अपेक्षा वो डायरेक्ट जम करके 4थे में जाता है, अन्यथा वो क्रम से ही नीचे आएगा। तो कहते हैं उपशांत मोह से उतरकर सूक्ष्म सांप्राय को छोड़कर अनिवृत्ति करनादि को प्राप्त नहीं होता, यानी 11वें में से छूटकर नीचे 10वें में ही आएगा, उसको छोड़कर कोई 11वें से 9वें में गया, 11वें में से 8वें में गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए 1 के बंध के पश्चात 7 का बंध अथवा 1 के बंध के पश्चात 8 के बंध रूप ये 2 भुजाकार बंध नहीं पाए जाते। किस अपेक्षा से? श्रेणी उतरने की अपेक्षा से। हाँ, मरण की अपेक्षा से हो जाएंगे। तथा अप्रमत्त से या अनिवृत्तिकरण से बीच के गुणस्थान को छोड़कर उपशांत मोह को प्राप्त नहीं होता, यानी चढ़ते समय भी क्रम से ही जाएगा, जैसे श्रेणी चढ़ते समय 7वें से 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11, बीच वाला 1 गुणस्थान छोड़ा और डायरेक्ट ऊपर गया, ऐसा नहीं होगा। यानी 7 का बंध कर रहा था 9वें गुणस्थान का और डायरेक्ट 1 का बंध करेगा क्या? नहीं समझे। 9वें गुणस्थान में कितने का बंध होता है? 7 का। तो 7 के बाद 1 का होगा किसी को? बीच में सूक्ष्म सांप्रा आएगा ना, हाँ, 6 का करके फिर 1 का करेगा। इसलिए बीच वाला यानी जिस क्रम से वो चढ़ता है तो यानी बीच इसे जम करके दूसरा वो नहीं हो सकता, यही बता दे। इसलिए नीचे प्रश्न भी पूछा, देखो, उपशांत मोह से मरकर
असंयत गुणस्थानवर्ती देव होगा, वहाँ एक से सात के बंधरूप या एक से आठ के बंधरूप होकर भुजाकार बंध हो सकते हैं? वे क्यों नहीं कहे? एक से आठ तो होगा ही नहीं, क्योंकि देव में उत्पन्न होने के समय तो आयु का बंद करने वाला नहीं कोई भी। उसका समाधान, अबद्धायु का तो मरण नहीं है, यानी उपशम श्रेणी कौन चढ़ते हैं? हो सकता है कि जिसने देवायु का बंद किया है वो भी चढ़ सकते हैं, नहीं की बात नहीं है, और जिसने आयु का बंद नहीं किया वो भी उपशम श्रेणी चढ़ ही तो सकते हैं, बाद में उतर कर आयु का बंद कर सकते हैं। तो जिसने आयु का बंद नहीं किया है, ऐसा जिसने उपशम श्रेणी चढ़ी है, उसका उपशम श्रेणी में मरण होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रश्न है। चरम शरीरी होगा तो मरण का सवाल नहीं है, क्योंकि उपशम श्रेणी उतरेगा फिर श्रेपक श्रेणी चढ़ेगा यथायोग्य समय पर। अब चरम शरीर नहीं ऐसा कहेंगे और उसने आयु का भी बंधन नहीं किया है फिर भी उपशम श्रेणी चढ़ा है तो उसका मरण होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आयु बंदी नहीं है तो मरण करके कहाँ जाएगा? समझ में आते हैं, यही यहाँ कह रहे हैं। इसलिए एक से सात के बंधरूप जागर का अभाव है, किसके लिए? अबद्धायु के लिए। और बद्धायु का मरण होगा तो देव असंयत होगा, और वहाँ तो आयु का बंध तो उसके देव में तो छः महीने बाकी रहने पर होते, इसलिए वो एक से आठ वाला डायरेक्ट भी नहीं होगा कोई। ग्यारहवें गुणस्थान में मरकर जिसने बद्धायु ने देव की आयु बांधी है वो देव में तो गया, तो एक के बाद आठ का बंध होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि देव में उत्पन्न होने के समय आयु थोड़ी बनती, वो तो जब आयु उसके आयु के छः महीने बाकी रहेंगे तब उसकी आयु बंधेगी, नेक्स्ट आयु। इसलिए एक से आठ के बंधे रूप भुजाकार का अभाव है। तो वहाँ एक था और मरकर देव हुआ तो सात हुआ, वो हो सकता है। अब नेक्स्ट पेज पर चलो। ये भुजाकार अल्पतर किसको कहना हमने पहले ही देखा था। नौवे से आठवें में आने वाला भुजागार क्या करेगा? नौवे में भी सात का बंध था, आठवें में भी सात का बंध है। उतरते समय सातवें में अभी भी आया, वहाँ पर भी सात ही का बंध है, क्योंकि सातवें में आयु के बंध की शुरुआत तो नहीं होती, वो छठे में बंध शुरुआत करने वाला सातवें में बांधता रहता है। इसलिए गुणस्थान में नौवे से आठवें में आया इसलिए भुजागार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूल प्रकृति तो सात ही बन रही है ना, भुजागार कब कहेंगे? सात वाला जब आठ करेगा तब उसको भुजागार कहेंगे। केवल नीचे के गुणस्थान में आया इसलिए उसको भुजागार नहीं कहते। नंबर ऑफ प्रकृति कितनी बनती थी वो अगर बढ़कर बांधता है तो उसको भुजागार कहेंगे, और उसकी संख्या कम होती है तो उसको अल्पतर कहेंगे। उतना का उतना बंध करता है उसको अवस्थित कहेंगे, बंध ही नहीं था और बंध होने लगा तो अवक्तव्य कहेंगे। पर मूल प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होगा कि बंध हो ही नहीं रहा था, जैसे चौदहवें गुणस्थान में बंध हो नहीं रहा था फिर बंध होने लगेगा? नहीं होगा। ये उसका अर्थ होता है। अब आगे बढ़ते देखो, अब इस तरह इसका स्वरूप जानना। ये हमने मूल प्रकृतियों में बंध के स्थानों के बारे में वो भुजागार अल्पतर देख लिए। अब यहाँ 430 पृष्ठ पर अभी उदय की बात है, तो कितने कर्मों का उदय होता है? सात का या आठ? आठ आठ आठ। आयु का उदय चल रहा है ना निरंतर। हाँ, तो कहते सूक्ष्म सांप्राय तक आठों मूल प्रकृतियों का उदय है। उपशांत मोह और क्षीण मोह में मोह बिना सात का उदय है, क्योंकि मोहनीय का उदय कहाँ तक है? दसवें तक है, भले एक लोक का है परंतु मोहनीय का वो भेद है ना, इसलिए दसवें तक उसका उदय है, ऊपर नहीं है। संयोगी अयोगी में नियम से चार अघाती कर्मों का ही उदय है, यानी मूल प्रकृतियों के उदय रूप स्थान कैसे कहेंगे हम? कितने का उदय? आठ का। कहाँ तक? दसवें तक। फिर मोहनी बिना कितना होगा? सात का होगा। और फिर चार का, इसमें अरिहंत भगवान। ये तो इसमें इतना ही लेना है।
एक से सात बांधे गए। फिर से बद्धायु का मरण होगा। हाँ होगा ना, जो उपशम श्रेणी में देवायु बांधी है वो एक से सात, वो पहले हमने कह दिया था एक से सात होता है, पर एक से आठ नहीं होगा ये कहना चाहते हैं, और अबद्धायु का मरण नहीं होगा। अब उदय की बात चल रही है, पहले से दसवें तक आठ कर्मों का उदय है, यानी आठ का उदय स्थान है, मूल प्रकृतियों की बात है। फिर ग्यारहवें में बारहवें में सात का उदय, और तेरहवें चौदहवें में चार का उदय। तो चार के बाद फिर उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? हम नीचे उदीर्णा की बात करते, देखो अब चारों घाती कर्मों की उदीर्णा करने वाले क्षीण मोहतक छद्मस्थ जीव है, वहाँ भी मोहनी की उदीर्णा करने वाले सूक्ष्म सांप्राय तक सरागी ही है। यानी मोहनी की उदीर्णा कहाँ तक होती है? दसवें तक, बाद में उसका क्षय हो जाता है। और फिर बाकी तीन की उदीर्णा बारहवें तक है। वेदिनी और आयु की उदीर्णा करने वाले प्रमत्त तक प्रमादी जीव ही है। हमने देखा था वेदिनी की और आयु की उदीर्णा उसकी उच्चति कहाँ होती है? छठे में, उसके ऊपर के गुणस्थानों में उसकी उदीर्णा नहीं, उदय है उदीर्णा नहीं। नाम और गोत्र की उदीर्णा करने वाले सयोगी तक है, उदय तो चौदह वाले को भी है नाम और गोत्र का, परंतु उसकी उदीर्णा सयोगी तक है ये कहना चाहते हैं। अब यहाँ आयु की बात बता रहे हैं 431 पेज पर। भुज्यमान आयु, भुज्यमान यानी जो आयु हम भोग रहे हैं उसको भुज्यमान आयु कहते हैं। जैसे हमारी आपकी मनुष्यायु भुज्यमान आयु है, उसके आवली मात्र काल अवशेष रहने पर नियम से मिश्र गुणस्थान से अन्य गुणस्थान को प्राप्त होता है, यानी तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है। तो मरण नहीं होता तो वो जब मरने को एक आवली से ज़्यादा काल है तब जाके वो अन्य गुणस्थान को प्राप्त होगा, तीसरे से कोई चौथे में जाएगा कोई पहले में चला जाएगा। इसलिए मिश्र बिना प्रमत्त तक पांच गुणस्थानों में आयु में आवली मात्र काल अवशेष रहने पर आयु बिना सात की उदीर्णा होती। इसका अर्थ ऐसा है जिस किसी गुणस्थान में, हमें मिश्र की बात छोड़ो क्योंकि वहाँ मरण नहीं है, जिन गुणस्थानों में मरण है वहाँ भी छठे तक की बात है क्योंकि आयु की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक होती है, तो वहाँ मरण का समय नज़दीक आया तो आवली और एक समय बाकी है तब उसकी अंतिम उदीर्णा होगी। अंतिम आवली प्रमाण निषेक शेष रहते हैं वहाँ उदीर्णा नहीं होती, उदीर्णा नहीं होती यानी एक एक निषेक फिर रहा है। उदीर्णा किसको कहेंगे? आवली प्रमाण निषेकों के ऊपर के निषेकों में से नीचे के आवली में परमाणु आ मिलते हैं उसको कहेंगे उदीर्णा। अब यह आवली ही प्रमाण निषेक बाकी रहे उसके ऊपर कोई है ही नहीं है तो वहाँ उदीर्णा भी नहीं होगी, ये उसका अर्थ होता है। अब देखो नीचे विशेषार्थ के नीचे सुख का तो जनरल भी आयु की भी हमें उदीर्णा होती ही रही। हाँ हर समय होती है, उदय शुरू हो ना, जैसे कहीं से मरकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, आयु तो बांधी थी पहले, आयु पहले बांधी थी तो वहाँ बंधी थी तभी उसकी उदीर्णा चल रही थी कि नहीं? अरे उसका उदय तो जब वो हम पहले का भव समाप्त होगा और ये मनुष्यायु का उदय शुरू होगा तब तो उसकी उदीर्णा भी चालू होगी, उदय के बिना उदीर्णा नहीं होती है। तो जन्म के समय से उसकी उदीर्णा चालू होगी, कब तक होगी? मरण के एक आवली और एक समय पूर्व तक, और बीच में ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा तो वहाँ उदीर्णा नहीं होगी। छठे वाला सातवें में जाता है तो उदीर्णा नहीं, फिर छठे में आता तो उदीर्णा होती है, फिर सातवें में जाता है तो उदीर्णा नहीं होगी, फिर छठे में आता है तो उदीर्णा होगी, ऐसा उसका स्वरूप। उसमें कुछ थोड़े परमाणु छूटकर नीचे आते बस इतना ही उसका है, वो उदीर्णा होती है इसलिए कुछ आयु मजबूत होती है ऐसा कुछ है ही नहीं है। हाँ कोई यहाँ मनुष्य मर गया अब वो देव होने वाला है या देव हुआ करेंगे तो देव कब कहेंगे उसको? वहाँ शरीर धारण करेगा तब विग्रह गति में,
वहाँ देवगति भी चालू हो गई, देवायु भी चालू हो गई, उदीर्णा भी चालू, उदय है तो उदीर्णा चालू हो जाए। उदय के बिना उदीर्णा प्रकृति की अपेक्षा से बात है। सब जगह बिना उदय उदीर्णा कहते किसको हो, उदय रूप प्रकृतियों के जो ऊपर के निषेक उदयावली में आ मिलते हैं उसी को उदीर्णा कहते हैं, तो बिना उदय के उदीर्णा नहीं होगी, इतनी बात है। देवी जीवों के कदली घात का जो मरण होता है वो चित्ते के ऊपर वाले गुणस्थान को नहीं होता, उसको उदीर्णा नहीं कहते, उसको घात कहते हैं। सामान्य ये उदीर्णा सभी निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आते हैं, और जब कदली घात की बात आती है, कदली घात में ऊपर के सारे निषेक कट डाउन होते हैं एक समय में, जैसे आप कुछ झड़कार देते वैसे पूरे के पूरे निषेक कट डाउन होकर उसके सारे परमाणु नीचे के निषेकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसको कदली घात कहते हैं। कदली घात अलग बात है, उदीर्णा क्योंकि इसे कहने की पद्धति नहीं, उदीर्णा होकर वो उसका मरण हुआ वगैरह वो बात नहीं, कदली घात अलग बात है, उदीर्णा बात अलग है। उदीर्णा होती है तो निषेकों का घात नहीं होता, जितनी आयु की स्थिति बांधकर आया है उस स्थिति में कोई चेंज नहीं होता, उसमें से उस निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते, उसमें अनंतानंत परमाणु पड़े, थोड़े परमाणु नीचे आए उदय में आए तो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। उसकी जैसे 33 सागर की देवायु हो या नरकायु हो, पहले ही समय से उदीर्णा चलती है, कब तक चलेगी, अंतिम आवली और एक समय तक चलेगी, तो उसमें क्या उनकी स्थिति थोड़ी कम होने वाली। अभी 33 सागर तक कंटिन्यूस इतनी उदीर्णा होती है, हर समय थोड़े थोड़े परमाणु आते हैं, फिर भी वो निषेक अपने स्थान पर बने रहते हैं, ये उसका अर्थ है। देखो पेज नंबर 431, वो पहले विशेषार्थ के और दूसरे के बीच में, सूक्ष्म सांप्राय में उतना ही काल अवशेष रहने पर आयु मौन और वेदनीय बिना पांच की ही उदीर्णा हुई, इसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म सांप्राय में उदय कितने का था? छह का बंद था। उदय मोह बिना था ना, मोह तो था, सूक्ष्म लोभ भी था, आठ का था उदय, आठ का था। तो कहते उसमें आयु की उदीर्णा छठे में रुक गई, और मोहनी की एक आवली और एक समय था तब जाके मोह की उदीर्णा हुई, जब एक आवली बाकी रही तो उसकी भी उदीर्णा रुक गई थी, मोहनी की अंतिम आवली में मोहनी की भी उदीर्णा नहीं थी, क्योंकि उसके भी अभी आवली प्लस एक समय बीत गया, अभी उसका अवली प्रमाण काल शेष रहा है तो उसकी भी उदीर्णा नहीं हो रही वहाँ पर, और वेदनीय की भी उसकी भी छठे में रुक गई है, इसलिए तीन बिना पांच की उदीर्णा है। अब देखो क्षीण मोह में उतना ही काल अवशेष रहने पर, यानी हम देखते हैं ना क्षीण मोह में उसकी जहाँ जिसकी सत्ता है जिसके उदय की अभी विच्छुत्ति होने वाली है, परंतु उसकी उदीर्णा अवली काल पहले ही रुक जाएगी, उदय अंतिम समय तक है पर उदीर्णा कब होगी, आवली प्लस एक समय बाकी है तब अंतिम उदीर्णा होगी, उसके बाद उदीर्णा रुक जाएगी, इसलिए उदीर्णा अंतिम समय तक नहीं चलती है, आवली पूर्व तक चलेगी। तो क्षीण मोह में जब लास्ट आवली बाकी रही तो केवल नाम और गोत्र की उदीर्णा हो रही वहाँ पर, इसलिए विशेषात में लिखा ना तीन घाती कर्मों की उदीर्णा क्षीण मोह के अंतिम आवली के एक समय पूर्व तक होती है, पश्चात नहीं, यानी अंतिम आवली में वो ज्ञानावरण दर्शन वगैरह जो नष्ट होने वाले हैं तो आवली प्लस एक समय थी तब उनकी अंतिम उदीर्णा हुई, बाद में अंतिम आवली में उनकी उदीर्णा नहीं हुई, तो वहाँ किसकी उदीर्णा हो रही थी, नाम और गोत्र की, क्योंकि मोहनीय सॉरी वेदनीय की और आयु की तो छठे में ही रुक गई थी। उपशांत मोह तक अभी सत्त की बात है, सत्व यानी कितने मूल प्रकृतियों की सत्ता है, 432 पेज। उपशांत मोह तक आठों मूल प्रकृतियों का सत्व है, क्षीण मोह में मोहनीय बिना साथी का सत्व है, क्योंकि क्षीण मोह कहने से क्षपक श्रेणी है,
और वहाँ तो मोहिनी का क्षय कहाँ हो चुका है, दसवें में। तो बारहवें में मोहिनी का सत्व है क्या? नहीं है, नहीं। हाँ, तो सात का है। संयोगी और अयोगी में चार अघाती कर्मों का ही सत्व है। चार अघाती कर्म नष्ट हुए हैं उनके, तो उनके चार की सत्ता है। अब ये तो हमने मूल प्रकृतियों में देखा, अभी हमको उत्तर प्रकृतियों में देखना है। अलग अलग देखेंगे, वो तो आसान है, और भी आसान है। हाँ। हम सब देख के आए ना, ज्ञानावरण के बंध स्थान देखे थे कि नहीं देखे? बंध स्थान कितने प्रकृतियों का एट ए टाइम बंध होता है, उनकी संख्या कितने का होता है? पांच का। कहाँ से कहाँ तक? एक से दसवें तक। और फिर उसका उदय स्थान बारह, यानी पांच का ही है ना। हाँ, और सत्व स्थान वो भी पांच का ही है। जहाँ तक वो बारहवें तक उसका उदय भी है, सत्व भी है। समझ में आई बात? हाँ। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे उत्तर प्रकृतियों के स्थान समुत्कीर्तन। समुत्कीर्तन है उसके, अभी जो होते हैं ये स्थान है, बस इतनी चर्चा करेंगे, वो है समुत्कीर्तन। देखो दर्शनावरण, मोहनीय और नाम कर्म के बंध स्थान अनुक्रम से तीन है। दर्शनावरण के तीन बंध स्थान है, कौन से तीन है? पहले गुणस्थान में दर्शनावरण कितनी बनती है? नौ। कब तक? पहले और दूसरे गुणस्थान में, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में स्थान बुद्धि वगैरह की बंधे हुई चित्ती है। फिर तीसरे चौथे में कितनी बनती है? छः। कहाँ तक? आठवें के पहले भाग तक, तो छः का स्थान होगा। फिर उसके बाद चार बनती है। तो दर्शनावरण के बंध स्थान कौन से हुए? एक नौ वाला, एक छः वाला और एक चार वाला। देखो चार्ट में, देखो यहाँ पर ये बंध स्थान बताए सब अलग अलग प्रकृतियों के। ज्ञानावरण के पांच का एक ही बंध स्थान है, क्योंकि थ्रू आउट पांच के पांच बनते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। दर्शनावरण में तीन बंध स्थान है, उसका अर्थ क्या? नौ वाला बंध स्थान, छः वाला बंध स्थान और चार वाला बंध स्थान। ये तो आसान है। अब मोहनीय के बंध स्थान हमने देखे थे। हाँ, कौन से है? बाईस वाला कहाँ है? पहले में। और इक्कीस वाला? सत्रह वाला? तीसरे और चौथे में। हाँ, तेरह वाला? पाँचवें में। फिर नौ वाला? छठे में, सातवें में और आठवें में। नौवा वाला, फिर नौवें में। पांच का भी है, चार का भी, तीन का भी, दो का भी, एक का भी। ये सारे बंध स्थान मोहनीय के हैं, तो कितने हुए टोटल? काउंट करो, कितने हुए? ग्यारह। कैसे हुए? बाईस, इक्कीस, सत्रह, तेरह और नौ, ये पांच, और बाकी पांच चार तीन दो एक, ये पांच, दस हो गए ना। हाँ, तो मोहनीय के बंध स्थान कितने हुए? दस हुए। अब देखो अंतराय का पांच का पांच, थ्रू आउट पांच का ही रहता है। वेदनीय का एक है ना, दो भले प्रकृतियां है, पर इधर पहले तो साता या असाता, कहाँ तक? छठे तक। बाद में साता, यानी एक का स्थान है थ्रू आउट। आयु तो एक ही बनती है, कोई पहले आयु बंधी और बाद में दूसरी बन जाए, ऐसा नहीं है। आज कोई पूछ रहे थे, पहले नरकायु बांधी फिर समय दृष्टि हुआ, अब आयु बंध का अवसर आया तो कौन सी आयु बांधेगा? कौन सी? नरकायु। समय दृष्टि नरकायु बांधेगा? अरे बांधेगा ही नहीं, नहीं समझे। नरकायु की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई है? पहले गुणस्थान। हमने क्या पूछा आपको? किसी ने पहले नरकायु बांधी, पहले अपकर्षण, बाद में समय दर्शन हुआ। तो समय दर्शन होने के बाद वो जीव, मनुष्य जीव है, वो नरकायु बांधेगा क्या? नहीं, नहीं। तो फिर आयु बंध का अवसर आया तो क्या है? अरे पर उसका आयु बांधना चाहिए, कहाँ से आई बात? आयु बांधेगा ही नहीं, यानी वो अपकर्षण काल होते हैं वंथड़ वंथड़, पर आयु बांधेगा नहीं। जैसे श्रेणिक राजा ने पहले 33 सागर की नरकायु बांधी थी,
बाद में वो सम्यक दृष्टि हुआ तो अभी घटाई आयु। कैसे घटाई? आयु घटाने के लिए फिर बंध की आवश्यकता नहीं है, घातायुष का है ना वो। अगर बढ़कर आयु बांधनी है तो उसके लिए नए बंध की आवश्यकता है। जैसे किसी ने मान लेते 10 सागर की देवायु बांधी और फिर उसका नेक्स्ट अवसर फिर आया और उसने 22 सागर की बांधी, तो वो 10 सागर के उसमें 22 सागर में वो भी ऊपर चढ़ सकते, कुछ परमाणु ऊपर भी चढ़ेंगे तो 22 सागर की कहने में आएगी उसकी आयु। पर जिसका घातायुष का होता है, घातायुष का अर्थ क्या है, ऐसा भी हो सकता है देव की 33 सागर की आयु बांधी हो और परिणाम ऐसे कुछ उल्टा पल्ले हो गए और 10,000 वर्ष की रह जावे, उसके लिए आयु का बंध नहीं किया था उसने 10,000 वर्ष का। वो निषेक जो 33 सागर के बने थे वो कट डाउन हुए कभी उसी पूर्व भव में, हाँ ये बध्यमान आयु में घातायुष का कहलाते। और जो हम भोग रहे उस आयु मनुष्य तिर्यंच की कर्मभूमि की उसमें कदलीघात होता है। फिर से देवायु या नरकायु बांधी है, जैसे श्रेणिक राजा ने 33 सागर की नरकायु बांधी थी, फिर समय दृष्टि हुआ, क्षायिक समय दृष्टि हुए, तीर्थंकर प्रकृति बंधे हुए, तो वो कितनी कट डाउन हो गई, कितनी रह गई, 84,000 वर्ष की रह गई। यानी उसके उस आयु का घात किया कब, श्रेणिक के पर्याय में ही। परिणाम ऐसे हुए उसके, समय दृष्टि हुए, क्षायिक समय दृष्टि हुए, तो ये बांधी हुई नरकायु कट डाउन हो गई। वो तो नष्ट तो नहीं होने हैं, नरकायु बांधी है तो नरक में तो जाना ही जाना है, परंतु उसकी आयु घट गई इतनी और 84,000 वर्ष की रह गई। वैसे द्विपायन मुनि ने 33 सागर की आयु बांधी थी और फिर वो तो आप लोगों को स्टोरी मालूम है, और राजपुत्रों ने उस पर उपसर्ग किया, जो कुछ है वो क्रोधाविष्ट हो गए, तो आयु का घात हो गया, 10,000 वर्ष की रह गई, वो अग्नि कुमार में चले गए, वो घातायुष का कहलाते। और हम आप जो वर्तमान में मनुष्यायु भोग रहे हैं, किसी निमित्त से उसके कट डाउन हो जाएंगे, कोई एक्सीडेंट है या अन्य जो कुछ है, हम बाह्य निमित्त को देख रहे हैं, परंतु वैसे उसके कदलीघात के योग्य परिणाम जो है उसके कारण उसका घात हो जाता है। बांध के आया था 100 साल की आयु, हो सकता है 25वें साल में उसके मरण हो जावे। कैसे? पहले कदलीघात होता है। कदलीघात किसका होता है? जिसने आयु का बंध नहीं किया होगा उसी का होगा, नहीं समझे? जैसे अभी कोई 90 साल की आयु लेके आया है तो उसको नेक्स्ट भव की आयु कब बंधेगी? अर्लीएस्ट 60 साल के बाद, यानी उसके एक अंतर्मुहूर्त में बंधेगी। यानी 60 वर्ष हो तक उसने आयु का बंध नहीं किया है, तो 60 वर्ष के एज में उसने आयु का बंध किया तो अभी उसकी आबाधा कितनी हो गई? 30 वर्ष। अभी वो उसका कदलीघात से मरण नहीं होगा, परंतु 60 वर्ष नहीं हुए, 40 वर्ष का हुआ है। यहाँ कदलीघात से क्या होता है, अभी उसके कितने निषेक कितने थे? 90 साल के। अभी उसने आयु भोगी कितनी है? 40 साल। यानी अभी 2/3 वन/3 नहीं हुआ, तो जो जितनी भोगी उसके 1/3 भी उससे 1/3 से कम रख कर वो कदलीघात कर सकता है। मान लेते ना उसने अभी जितनी कुछ भोगी होगी, अब उसने 4 दिन की आयु शेष रखी और बाकी सब कदलीघात कर दिया। हम ऐसा भी देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, कोई 4 दिन रहा, कोई 8 दिन रहा, क्या हुआ? कदलीघात से रिमेनिंग सारे नष्ट हो गए, जितने बाकी है आयु उतना भोगेगा। पहले में पहले कदलीघात करेगा, फिर आयु बांधेगा क्योंकि कदलीघात होने तक आयु नहीं बांधी थी, तो कदलीघात होकर आयु बांधेगा, फिर मरण होगा। कभी कभी हम क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट मर गया। अरे ऑन द स्पॉट मरा तभी भी आयु तो कदलीघात भी हुआ, यानी वो अंतर्मुहूर्त कितना छोटा होगा, आयु भी बांधी और फिर मर गया, क्योंकि बिना आयु बांधे कदलीघात नहीं, आदि बांधी हो तो कदलीघात नहीं होता। कदली का अर्थ थे वो केले के जो वृक्ष होते हैं उसको कदली कहते हैं, उसका घात यानी वो तोड़ते ऐसे आयु एकदम कट डाउन हो गई, उसका नाम है कदलीघात। यानी कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की लंबी आयु बांध कर आया है, परंतु कदलीघात हो सकता है। जैसे करोड़ पूर्व की आयु बांध के आया है और 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ और बस अंतर्मुहूर्त में कदलीघात करके वो मर सकता है। ऐसे परिणामों में कुछ आयु बांधी है तो उसके कदलीघात हो सकते हैं। क्रमबद्ध ही है, भगवान के ज्ञान में तो आई है बात। हाँ, जीव के कुछ ऐसे परिणाम होंगे जिस
की वजह से कर लिया। हाँ, उसके ऐसे परिणामों में कुछ आयु बांधी है। अभी उसके वो परिणाम सारे केवल ज्ञान गम्य है, परंतु उसमें तो उसका निमित्त बनता है। अब ऐसे आता है ना, देव से आए हुए वो नहीं करते, ऐसा कुछ में आता है उसके अंदर। अभी उस समय संकलेश परिणाम होने ही चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं ना, अभी मुनिराज पर कोई ऐसा घोर उपसर्ग हो जाएगा तो उन्होंने भी आयु जादिया बांधी थी, तो उनके भी मरण हुआ कदली घास से, तो उसको तो हम संकलेश नहीं कहेंगे। उस समय भी वो जिसको कहेंगे समाधि मरण हो सकता है उनका। लेकिन जो घाता उसकी जो आपने बात की, वो परिणाम तो इसी घाता उसके तो अलग बात है। घाता उसको उसने आगामी आने वाले आयु का घात किया है, तो वो इसी भाव में उसने परिणाम बिगाड़ा, तो बिगाड़ा नहीं कहेंगे हम, श्रेणी के राजा के लिए परिणाम सुधारा कहेंगे। नरकायु का घात किया तो परिणाम सुधारा। हाँ, इसी भाव में देव की आयु घटती तो हम कहेंगे परिणाम बिगड़े, और नरक की घटी तो कहेंगे परिणाम सुधरे। हाँ देखो, ये आयु की एक का हमने स्थान देखा था। देखो वेदी ने कहे थे आयु का एक है, और नाम कर्म के स्थान वो तो बाद में देखेंगे हम कौन से होते हैं क्या, पर हमने थोड़ी उसकी झलक देखी थी पहले भी। तो 23 वाला एक बंद स्थान है, ये कौन कौन से है उसको हम बाद में देखेंगे। 25 वाला है, 26 वाला है, 28 वाला है, 29 वाला, 30 वाला, 31 वाला और 1 वाला, ऐसे 8 है। इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। गोत्र तो एक ही बनता है ना, पहले दूसरे गुणस्थान में उच्च गोत्र या नीच गोत्र बंधेगा, और बाद में ऊपर उच्च गोत्र का ही बंध है। इस तरह से अभी यहाँ हम देखते हैं, पेज नंबर 432 पर हम देख रहे थे। देखो 458 की टीका अभी हमने पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ते। दर्शनावरण, मोहनीय और नाम कर्म के बंध स्थान अनुक्रम से 3, यानी दर्शनावरण में 3 हमने देखे थे, 9 वाला, 6 वाला, 4 वाला। मोहनीय के 10 याद है ना, 22 वाला, 21 वाला, 17 वाला वगैरह। अभी अभी हमने नाम कर्म के 8 देखे, 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला वगैरह वगैरह। इसलिए भुजाकार बंध भी इन्हीं में है। इसका अर्थ क्या है, भुजाकार किसको कहते हैं, पहले कम था फिर बाद में बढ़ेगा। तो ज्ञानावरण में भुजाकार होगा कि अल्पतर होगा? वो तो भुजाकार अल्पतर का सवाल है, वो हमेशा 5 का 5 ही बंध रहेगा। जहाँ एक ही प्रकृति बनती उसमें एक का एक ही रहेगा, यानी उसमें भुजाकार अल्पतर संभव नहीं है। ये दर्शनावरण में संभव है, मोहनीय में संभव है, नाम में संभव है, क्योंकि शेष में से ज्ञानावरण और अंतराय के 5 प्रकृतियों के बंध रूप एक एक स्थान है। यानी अंतराय भी 5 की 5 बनती है हमेशा, ज्ञानावरण भी 5 की 5 बनती है। गोत्र, आयु और वेदनीय में तो एक एक ही प्रकृति बन रही है, उसमें भी बढ़ने और घटने का कोई सवाल नहीं है। अभी नीचे 459 की टीका। दर्शनावरण का 9 प्रकृति का एक स्थान, स्त्यान वृद्धित्रिक बिना 6 प्रकृति रूप एक स्थान, तथा निद्रा प्रचला बिना 4 प्रकृति रूप एक स्थान, ये 3 बंध स्थान हैं। उनके भुजाकार अल्पतर अवस्थित बंध है, अपि शब्द से अवक्तव्य बंध भी है वही कहते हैं। उपशम श्रेणी से उतरने वाला अपूर्वकरण के दूसरे भाग में 4 प्रकृति रूप दर्शनावरण को बांध कर उस अपूर्वकरण के प्रथम भाग में 6 प्रकृति रूप बांधते हैं। हमको अधिक करना है ना, ऊपर चढ़ते समय 6 का बंध करता था, वो 4 का करने लगा, फिर श्रेणी उतरते समय 4 के बंध के बाद वो 6 का करने लगा। जहाँ निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हुई थी, उतरते समय फिर बंध प्रारंभ हो जाएगा, तो 4 से 6 में आया, तो उसको भुजाकार कहेंगे। एक तो यह भुजाकार हुआ। प्रमत्त संयत, देश संयत, असंयत मिश्र में 6 प्रकृति रूप बांधता है, और पश्चात मिथ्या दृष्टि होकर, अभी रेगुलरली तो आने वाला वेदक सम्यक तो से मिथ्यात्व में आएगा, वेदक समय दृष्टि यानी क्षोपम समय दृष्टि सासाधन में नहीं आता, औपशमिक वाला सासाधन में आ सकता है। इसलिए यहाँ क्या कहा,
पश्चात मिथ्या दृष्टि होकर कितने का बांधेगा, छह के बदले नौ का, अथवा प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि सासादन में आकर नौ प्रकृति रूप बांधता है। यह एक भुजाकार हुआ, इस तरह भुजाकार बंध दो है। कैसे दो, चार से छः और छः से नौ। पुनः प्रथमोपशम सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि अनिवृत्तिकरण के अंत समय में, अनिवृत्तिकरण ने वो करण परिणाम, मिथ्या तो में तीन करण परिणाम करता है, ये करण लब्धि का अंतिम समय, नौ प्रकृति रूप बंध करने वाला है। अनंतर समय में, अब वो डायरेक्ट पहले गुणस्थान से चौथे में गया, असंयत देश संयत या अप्रमत्त संयत होकर, यानी पहले से चौथे में गया, कोई पहले से पाँचवें में गया, कोई पहले से सातवें में गया। अब कौन से दर्शनावरण का बंध होगा अभी उसको, छः वाला। पहले में अंतिम समय तक क्या कर रहा था, नौ, और वहाँ जाते ही छः, हाँ, तो उसको अल्पतर कहेंगे। नौ से छः हुआ, ये अल्पतर हुआ। पुनश्च उपशमक और क्षपक अपूर्वकरण के पहले भाग के अंत समय में छह प्रकृति रूप बंध करने वाला, दूसरे भाग के प्रथम समय में, यानी आठवें गुणस्थान के पहले भाग में वो निद्रा प्रचला का बंध कर रहा था, दूसरे भाग में पहुंचते ही उसका बंध रुक गया है, चार प्रकृति रूप बांधता था, यानी छह से अभी चार पर आ गया, वहाँ एक अल्पतर हुआ। ऐसे अल्पतर बंध दो है। अब जो उतना का उतना मिथ्या दृष्टि और सासादन वाला नौ का नौ बंध कर रहा है, मिथ्या दृष्टि सासादन नौ प्रकृति रूप, मिश्र से अपूर्वकरण के प्रथम भाग तक छह प्रकृति रूप, यानी हर समय उतना का उतना कर रहा है क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ हैं, और अपूर्वकरण के द्वितीय भाग से, यानी निद्रा प्रचला की विच्छित्ति हो गई बंध की, अब कितने बांधेगा, चार चार, तो चार प्रकृति रूप कहाँ तक, दसवें तक बंध करने वाला। तो पहले समय में उतना और बाद में भी उतना, उसको क्या कहेंगे, अवस्थित बंध, क्योंकि उसके बंध स्थान तीन है, इसलिए अवस्थित बंध भी तीन हो गए। उपशांत मोह में कुछ भी दर्शनावरण को नहीं बांधने वाला, बंध की विच्छित्ति कहाँ होती है, दसवें, तो ग्यारहवें गुणस्थान में दर्शनावरण का बंध होगा नहीं। फिर ग्यारहवें वाला दसवें में आया, बंध शुरू हुआ, जीरो था शुरू हुआ, उसको अवक्तव्य कहे। तो कहते उपशांत मुँह में कुछ भी दर्शनावरण को नहीं बांधने वाला, उतरने में सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में चार प्रकृति रूप। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मरकर देव भी हो जाएगा, तो देव होगा तो वो कितने प्रकृतियों को बांधेगा, छह प्रकृतियों को, हाँ, अथवा बद्धायुष्क मरकर देव असंयत होकर, चौथे गुणस्थान वाला है ना, छह प्रकृति बांधता है, वह भी अवक्तव्य हो जाएगा। नहीं बांध रहा था और बांध रहा है, उसको अवक्तव्य कहते हैं। अब कहे हुए अर्थ को वो हमने प्रकट जान लिया। अभी उसके ये तो हमने बंध स्थान देखे, किसके, दर्शनावरण की, कितनी प्रकृतियाँ हैं, नौ, बंध स्थान कितने देखे, तीन, उसके उदय स्थान कितने हो गए, पढ़कर नहीं बताना है। हाँ बोलो, कौन बता, हाँ, उदय स्थान कितने प्रकृतियों के उदय वाले, कितने स्थान हो गए, जागृत अवस्था में चार का उदय है और निद्रा में पांच का उदय है, क्योंकि पांचों निद्रा का एक एट ए टाइम उदय नहीं है, निद्रा निद्रिस्त अवस्था में किसी एक निद्रा का उदय होता है, अंतर्मुहूर्त में पलट सकता है। फिर से, अभी आप जागृत है ना सब, अभी चार का उदय चल रहा है, और कोई सोता है तो कितने का उदय होगा, पांच का, क्योंकि एट ए टाइम एक निद्रा का उदय है, स्त्यान वृद्धि का होगा तो अन्य का नहीं, वो पलट कर फिर अन्य का उदय शुरू होगा, निद्रा से प्रचला, प्रचला से प्रचला, प्रचला कुछ भी हो सकता है, परंतु एक का उदय है तो दूसरे निद्रा का नहीं, एट ए टाइम किसी एक निद्रा का उदय है, यानी चक्षु अचक्षु अवधि केवल ज्ञाना केवल दर्शनावरण ये सबका चार का तो उदय निरंतर है, जब निद्रा की अवस्था है तब पाँच का उदय है,
तो उदय के स्थान कितने हुए? चार का एक और पांच का एक, दो ही। फिर से देखो यहाँ, ये जो 434 पेज पर विशेषार्थ लिखा है ना, उसको पढ़ेंगे। देखो, जागृत अवस्था में चार का उदय है और निद्रित अवस्था में एक किसी निद्रा के उदय होने पर पांच का उदय, बस इतनी बात है। उदय के दो ही स्थान है। अब सत्व स्थान पूछेंगे, सत्व स्थान यानी सत्ता में कितने बड़े रहेंगे। तो ये जो नौ का जो सत्व स्थान कहाँ तक होगा, यानी नौ की नौ सत्ता, दर्शन आवरण की नौ की सत्ता कब तक बनी रहेगी? जब तक उसमें से किसी का क्षय नहीं होगा तब तक। तो स्त्यान, हाँ, स्त्यान वृद्धि त्रिक का क्षय कहाँ होता है? नौवे के पहले, क्षपक वाले के। जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा उसके सत्ता में रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। उदय नहीं है, रहेगी वहाँ पर, समझो सत्ता में है। तो देखो ये पढ़ते हैं यहाँ पर, दर्शन आवरण के सत्व स्थान मिथ्यात्व से उपशांत मोह तक और क्षपक श्रेणी में अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग तक नौ प्रकृति रूप है। यानी जब तक वो तीन की क्षपणा नहीं होती है तब तक सत्व नौ का बना रहता है। किसी भी प्रकृति का सत्व तब तक नष्ट नहीं होता जब तक उसकी या तो क्षपणा नहीं हुई है या उद्वेलना नहीं हुई, इसलिए उसका सत्व बना रहता है। ऊपर क्षीण मोह के द्विचरम समय तक छह प्रकृति रूप है, क्योंकि निद्रा और प्रज्वला का सत्ता से नाश कहाँ होता है, क्षय कहाँ होता है? उपांत समय में, बारहवें के उपांत समय में, वहाँ तक उसकी सत्ता है। क्योंकि स्त्यान वृद्धि आदि तीन अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में ही नष्ट होते हैं, क्षीण मोह के अंत समय में निद्रा प्रज्वला बिना चार प्रकृति रूप ही है। अंतिम समय में चार की ही सत्ता है और वो अंतिम समय में ही उसका नाश हो जाता है। संयोगी अयोगी में उसके सत्व का अभाव है, क्योंकि सारे घाती कर्म गए हैं ना, उस सत्व कहाँ से रहेगा उनका। देव और नारकियों और प्रज्वला का उदय तो वहाँ पर भी बताया। हाँ, देव और नारकियों को निद्रा प्रज्वला का उदय है, उदीर्णा वहाँ पर नहीं होगी ऐसा कह सकते? क्यों नहीं होगी? जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होती ही है नियम से। देखो उदीर्णा का दोनों अर्थ, उसके जो वैसे तीव्र उदीर्णा है, तीव्र अनुभाग उदीर्णा, इस तरह से भी लेना है, अनुभाग को भी लेना है उसमें। केवल प्रदेश ज़्यादा आता है और उसमें निद्रा प्रज्वला का उदय है तो उनके वैसी नींद भी होगी वहाँ पर। स्त्यान वृद्धि वाले तीन निद्रा नहीं है, पर निद्रा नहीं है कोई किसी ने नहीं कहा, निद्रा और प्रज्वला वाली निद्रा वहाँ पर भी है। देवगति में है ना, निद्रा वाला उदय, निद्रा का भी उदय और प्रज्वला का भी उदय। अरे नींद नहीं होती वो हमने देव बताया, तो स्त्यान वृद्धि वाली नींद नहीं होती है। जैसे कहते घोड़े बेच कर सो रहे वैसा वैसा वहाँ नहीं होगा। निद्रा प्रज्वला वाली निद्रा वहाँ पर भी होगी। ये मनुष्य तीरें जैसे उनकी सोने की बात है वैसी वहाँ नहीं होगी। हाँ देखो 435 पेज पर अब मोहनी की बात है। हाँ, निद्रा और प्रज्वला वाली निद्रा उनके है, वैसी नींद है उनके भी। जैसे यहाँ जागृत अवस्था में निद्रा प्रज्वला का उदय नहीं है तो वैसा वहाँ पर भी नहीं है। हाँ, यानी उतने वो निद्रा प्रज्वला क्या है, तरल निद्रा है ना, वैसी वहाँ होगी। वहाँ निद्रा का निषेध है, वो कौन से निद्रा का? स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रज्वला प्रज्वला का। अब हम मोहनी के देखते हैं, मोहनी के हमको बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान देखने। मोहनी के बंध स्थान हमने बहुत बार देख लिए है ना, मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 का बंध है, दूसरे में 21 का है, तो 22 वाला, 21 वाला, 17 वाला, 13 वाला, 9 वाला, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 10 स्थान तो देखे थे हमने। ये 10 है, ये क्या है? बंध स्थान देखे। अब नीचे मोहनी के उन बंध स्थानों में मिथ्यात्व में 22 प्रकृति रूप स्थान है, शासादन में 21 प्रकृति रूप है, मिश्र और असंयत में 17 रूप है, देश संयत में 13 प्रकृति रूप, प्रमत्त संयत आदि तीन में यानी छठे में, सातवें में और आठवें में, प्रत्येक में 9-9 प्रकृति रूप है, और नौवे में स्टार्टिंग में वो 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1 रूप,
पांच प्रकृति, ये पांच स्थान है। अब मिथ्यात्व से अनिवृत्तिकरण के भाग तक जो स्थान कहे उनमें क्रम से, यानी ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ कितनी हैं, पहले हम मिथ्यात्व की बात करें। हमने टोटल ध्रुवबंधी देखी थी, आपको याद होगा, तो टोटल अकेले मोहिनी की नहीं, टोटल 47 देखी थी। ज्ञानावरण की 5 थी, दर्शनावरण की 9 थी, अंतराय की 5, 19 हो गए। और 19 तो मोहिनी की थी, मिथ्यात्व 16 कषाय और बहिर्जगत से, है ना, 17 और 2 19 थी, याद है ना। और नामकर्म की 9 थी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 19 लिखा है ना, यहाँ पर मिथ्यात्व में 19 प्रकृतियाँ ध्रुवबंधी है, और बाकी ऑप्शनल कौन सी थी, 3 वेद में से 1 वेद और 1 युगल। दूसरे गुणस्थान में अब मिथ्या तो बनता नहीं है, तो ध्रुवबंधी कितनी होगी, 18 होगी, ये कहने। फिर जहाँ 17 बनती है वो अनंतानुबंधी ध्रुवबंधी चली गई है, तो ध्रुवबंधी कितनी है यहाँ पर, 14, ये उसका अर्थ है, 14 14। फिर हाँ 10 छ, इस तरह से उसका अर्थ करना, यानी जो ध्रुवबंधी जो जो चली जाएगी वो ध्रुवबंधी को छोड़कर, ये बात बताना है कितनी रहेगी, यानी ध्रुवबंधी कितनी उसकी चर्चा है। जिनका बंध होगा ही होगा उन्हें ध्रुवबंधी कहते हैं। आगे बढ़ते देखो, देखो पेज नंबर 436। ऊपर बताई हुई अपनी अपनी ध्रुवबंधी प्रकृतियों में यथासंभव 3 वेदों में से 1 वेद, हास्य शोक युगल में से 1, रति अरति युगल में से 1-1 मिलाने पर स्थान होता है, और वेदों के प्रमाण को युग्म के प्रमाण से गुणा करने पर वो तो भंग होते हैं, हमको भंग नहीं देखना है। देखो स्थान किसे कहेंगे, कितनी प्रकृति है उसको स्थान कहेंगे, तो उसमें ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, तो वेदों का ऑप्शन होगा या जो युगल का ऑप्शन होगा, तो उसको हम कहेंगे भंग हो गए। हम भंगों की चर्चा नहीं करेंगे, केवल स्थानों की चर्चा करनी है अपनी। तो हमने ये बंध स्थान देखे, ये तो आस है ना, 22 का 21 का वगैरह हमने बंध स्थान देख लिए। अभी उसके बंध कूट, यानी जो बंध स्थान है उसको कूटों की अपेक्षा समझना बहुत आसान है, उसके बंध के कूट बताएंगे, यानी कैसे डिराइव करना, कितनी प्रकृतियाँ बनती है, कौन कौन सी बनती है, उसको हम चार्ट के आधार से भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर अभी 436 पेज पर आना, चौबीस नंबर लगा लो वहाँ पर, देखो हम पुस्तक में से पढ़ेंगे पहले। मिथ्यात्व तो गुणस्थान के बंधकूट में, एक कूट शब्द सुना है ना कभी, हाँ वो शिखर जिस पर चढ़ते हैं ना, हाँ कूट कूट, हाँ। और वैसे भी जैन भूगोल में आपने वो देखा था, वो सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर होते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय है ना, कुलाचलों के इतने इतने कूट है, गजदंत के इतने कूट है, कौन से कूट पर जैन मंदिर है, वो सब बात आती है। तो यहाँ पर भी एक कूटों की रचना करेंगे, ऐसे शिखर जैसी कोई रचना। देखो मिथ्यात्व गुणस्थान के बंधकूट में 1 मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, ये 19 तो ध्रुवबंधी है, और 3 वेदों में से 1 वेद, 2 युगलों में से 1-1 ऐसे 22 प्रकृति रूप स्थान है। यहाँ कूट के आकार की ऐसी रचना होती है, इसलिए यहाँ कूट संज्ञा दी है। अभी हम चार्ट को देखते हैं। देखो मिथ्यात्व गुणस्थान में हम अलग अलग गुणस्थानों में हमको घटित करना है। एक बार मिथ्यात्व गुणस्थान की बात हम देखेंगे तो आगे का फिर आसान है। तो देखो ये बंध के कूट है, बाद में हम उदय के भी कूट देखने वाले हैं। तो यहाँ एक का अर्थ होता है मिथ्यात्व, बंधने वाले कितने बनते हैं, अनंतानुबंधी बंध रहा है कि अप्रत्याखान बंध रहा है, समय हो गया, अच्छा थोड़ी देर के बाद हम ये कूट को देखेंगे तब तक थोड़े बंध को रोकते हैं, बोलो 2400 भगवान की।